गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अलका जैन आज रसायन शास्त्र विषय में जैव अणुओं पर चर्चा करूंगा। मैंने कल भी इसी विषय पर चर्चा की थी। कल हमने कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या कार्य होते हैं, इस पर हमने बात की थी। इसी में एक बायोमोलिक्यूल था प्रोटीन। इस प्रोटीन पर मैंने आपसे थोड़ी बेसिक चर्चा की थी, साथ ही इसकी जो बेसिक यूनिट होती है अमीनो एसिड, उस अमीनो एसिड में मैंने ज्विटर आयन और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर चर्चा की। ठीक है, आज इसी अमीनो एसिड में ये हमारे क्या क्यों एसेंशियल है, साथ ही इन अमीनो एसिड से किस तरीके से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है, कैसे ये यूनिट जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करती है और कितने तरीके के स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, साथ ही एंजाइम्स और उसके साथ विटामिन्स पर मैं आज चर्चा करूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अमीनो एसिड के शारीरिक महत्व, वो हमारे लिए क्यों एसेंशियल होता है। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि प्रोटीन जो होता है या प्रोटीन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है अमीनो एसिड। ठीक है, तो अमीनो एसिड का शारीरिक महत्व क्या है। हमने कहा था कि प्रोटीन के जल अपघटन से विभिन्न प्रकार के हमें लगभग 20 अल्फा अमीनो एसिड मिलते हैं। ठीक है, इनमें से 10 अल्फा अमीनो एसिड तो मानव शरीर में ही बनते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अनावश्यक अमीनो एसिड। ठीक है, लेकिन जो शेष 10 अमीनो एसिड जो होते हैं ये मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं होते, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कितने अमीनो एसिड है जो बॉडी में संश्लेषित नहीं होते हैं। आप सारे बच्चों से मैंने कल भी कहा था कि ये यूनिट जो है वो हमारी 5 नंबर की है, जिसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 3 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है, कोशिश किए मैंने जहां तक आपको बीच बीच में बताते चलूंगी कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि कितने अमीनो एसिड हैं जो बॉडी संश्लेषित नहीं करती, उसमें है 10 अमीनो एसिड। इसके मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप थोड़ा सा देखिए, एक होता है आर्जिनिन, एक होता है लाइसिन, एक होता है स्टिडीन, एक होता है वैलिन, एक होता है ल्यूसीन, एक होता है आइसोल्यूसीन, एक होता है फेनिल एलानीन, एक होता है थ्रियोनीन, एक होता है मेथिलोनीन और एक होता है ट्रिप्सोफेन। ठीक है, कम से कम पूछ सकते हैं कि दो आप ऐसे अमीनो एसिड के नाम लिखो, तो अपन लिख सकते हैं, एक तो हो सकता है ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, एक लाइसिन याद रह सकता है, एक हिस्टिडीन याद रह सकता है, एक वैलिन याद रह सकता है। तो इसमें से हमको नाम याद रखने कि अमीनो एसिड्स जो क्या है हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, इन अमीनो एसिड को हम भोजन में क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं और भोजन में इन अम्लों को, अम्लों की कोई से भी अम्लों की यदि कमी हो जाए तो हमारे शरीर में कई रोग हो सकते हैं। ऐसा ही प्रोटीन से कमी से एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं क्वाशियोर्कर। पूछा जाता है प्रोटीन से होने वाले दो रोगों के नाम लिखो, उसमें मैंने अभी आपको एक बताया है क्वाशियोर्कर। ठीक है, और ये क्वाशियोर्कर रोग में क्या होता है कि अगर इसकी कमी, इस प्रोटीन की कमी अगर हो जाए तो शरीर की वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है और शरीर में क्या होती है, सूजन आ जाती है, त्वचा सूखी और बदरंगी हो जाती है, यकृत जो होता है उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम हो जाती है, यानी शरीर में पानी का संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करना चाह रहे हैं पेप्टाइड की, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं या पेप्टाइड्स क्या होते हैं। पेप्टाइड्स जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्लों के संघनन से बने हुए अणु को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। यह बन जो विभिन्न अमीनो अम्ल और इकाई को जोड़कर क्या बनता है, पेप्टाइड अणु बनता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बन। रासायनिक रूप से यदि हम बात करें तो ये होता है CONH3।
प्रकार का बंध होता है। यहाँ पर एमिनो अम्ल का एसिड समूह दूसरे एमिनो एसिड के NH2 समूह से एक जल अणु के विलोपन से हमें क्या मिलता है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड को शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अमीनो एसिड लिखा है एक, ये NH2CHRC OH, ये एसिड वाला हिस्सा है। एक और अमीनो एसिड लिखा है मैंने यहाँ NH2CHRCOH, ये भी एक और अमीनो एसिड है। यहाँ पर एसिड और यहाँ पर अमीन वाले हिस्से से ये क्या निकल जाता है? पानी। और यहाँ संघनन के फलस्वरूप यहाँ पर जो ये बॉन्ड बनती है, जैसे मैंने भी कहा था सी डबल बॉन्ड हो, NH तरह का बॉन्ड होता है जिसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। जब दो अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से CONH द्वारा जुड़ते हैं तो ये यौगिक क्या हो जाते हैं? इनको बोल देते हैं डाइपेप्टाइड। इसी प्रकार से अमीनो एसिड के तीन अगर अणु जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ट्राइपेप्टाइड। अगर चार जुड़ जाएंगे तो उनको हम क्या कह देंगे? टेट्रापेप्टाइड। यानी यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है? ये बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर क्या बनाते हैं? एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं जो क्या होती है? प्रोटीन होती है। जब बहुत सारे अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़कर यदि बहुलक बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड परस्पर जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जिन पॉलीपेप्टाइड का आणविक द्रव्यमान 10,000 से अधिक या लगभग हम कहें कि प्रति श्रृंखला 100 से लेकर 140 अमीनो एसिड यदि आपस में जुड़ जाए तो ये परंपरागत रूप से क्या बन जाते हैं? प्रोटीन, ठीक है। यानी प्रोटीन की बेसिक यूनिट जैसे मैंने आपसे कहा था कि अमीनो एसिड होती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन के वर्गीकरण की। प्रोटीन का वर्गीकरण, संरचना और कार्य के आधार पर हम प्रोटीन को दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं रेशेदार प्रोटीन और एक होते हैं गोलाकार प्रोटीन, ठीक है। अगर हम बात करें रेशेदार प्रोटीन की तो ये क्या होते हैं? लंबी लंबी रेशेदार संरचनाएं होती हैं जिनमें क्रॉस बंध या शाखाएं नहीं होती, ठीक है। प्रोटीन की लंबी श्रृंखलाएं आपस में किससे जुड़ी होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बंधी रहती हैं। और ये जल में कैसे हो जाते हैं? अभिलय होते हैं। रेशेदार प्रोटीन जल में क्या है? अभिलय है। और ये प्रोटीन ताप और पीएच पर स्टेबल होते हैं। यानी रेशेदार प्रोटीन क्या है? ये ताप और पीएच पर क्या रहते हैं? स्थाई रहते हैं। अगर हम बात करें जानवरों और मनुष्य के उत्तक, मांसपेशियां, त्वचा, ये सभी इसी प्रोटीन से बने होते हैं। जैसे रेशेदार प्रोटीन की हम बात करें कीरेटिन। कीरेटिन जो होता है ये निर्माण करता है त्वचा का, बाल का, नाखून का, ऊन का, सींग का और पंख का। अब ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ सकते हैं आप कि पंख में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम लिखिए, तो क्या हो जाएगा? कीरेटिन, ठीक है। इसलिए ये एग्जांपल्स को हमें बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से एक होता है कोलेजन। ये कीरेटिन हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले क्या होते हैं? रेशे होते हैं। एक होता है माइकोसिन, ये क्या होती है? मांसपेशियां बनाती है शरीर में। एक होता है फाइब्राइन, ये क्या होते हैं? रेशम में होते हैं ये प्रोटीन। यानी इन सब का कार्य, जो भी प्रोटीन यहाँ पर हमने रेशेदार बताए हैं, इन सब का कार्य शरीर को क्या है? मजबूती प्रदान करना है। अतः इन सब कार्यों के लिए मजबूत व जल में अविलय होने पर ही ये पदार्थ क्या होंगे? उपयोगी होंगे। तो रेशेदार प्रोटीन जो होंगे वो पानी में अघुलनशील होंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं गोलाकार प्रोटीन की। गोलाकार प्रोटीन जो होते हैं इन प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला स्वयं के चारों तरफ इस प्रकार घूम जाती है जिससे पूरे प्रोटीन का अणु कैसा हो जाता है? गोलाकार हो जाता है। यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इस तरह से घूम गई कि पूरा का पूरा अणु कैसा हो गया? गोलाकार।
और शर्करा इस प्रकार घूमती है कि इसका लिपोफिलिक भाग जो होता है वो अंदर की ओर होता है और हाइड्रोफिलिक भाग जो होता है वो बाहर की होता है। और यही कारण होता है कि ये प्रबल रूप से ध्रुवीय समूह से ये क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं और ये जल में कैसे हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। यानी गोलाकार प्रोटीन जो है वो क्या हो जाते हैं, जल में विलय हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन ताप और पीएच के सूक्ष्म परिवर्तन के लिए क्या होते हैं, बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि गोलाकार प्रोटीन कौन से होते हैं, तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं और कई हार्मोन्स जो होते हैं ये गोलाकार प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिए हैं, जैसे अग्नाशय द्वारा जो स्रावित इंसुलिन होता है ये कैसा प्रोटीन है, गोलाकार प्रोटीन है। थायराइड द्वारा जो थायरोग्लोबिन निकलता है ये भी कैसा है, गोलाकार प्रोटीन है। ऐसे ही एलर्जी होती है या विभिन्न बाह्य जीवाणु से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज निकलती हैं वो भी कैसे होते हैं, गोलाकार प्रोटीन होते हैं। इसी तरीके से फेफड़ों में ऑक्सीजन को श्वसन के लिए कोशिकाओं तक पहुंचाने वाला रक्त जो होता है उसमें पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन भी गोलाकार क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसी तरीके से रक्त में थक्का बनाने के लिए जो फाइब्रिनोजन होता है ये प्रोटीन भी कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, यानी ये सभी मैंने यहाँ एग्जांपल्स दिए हैं वो सभी क्या है, गोलाकार प्रोटीन है। ये प्रोटीन ताप और पीएच की सूक्ष्म परिवर्तन पर क्या है, संवेदनशील है, ये जल में विलय है। क्लियर है? चलिए अब अपन बात करते हैं कि रासायनिक संगठन अथवा प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर भी हम प्रोटीन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे सिंपल प्रोटीन, अगर हम सिंपल प्रोटीन की बात करें तो ये वे प्रोटीन होंगे जो जल अपघटन पर केवल अल्फा अमीनो एसिड देंगे। जितने भी एल्बुमिन है यानी अंडे की सफेद भाग है ये सब कैसे प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन है। केराटिन जो है, जैसे मैंने अभी कहा था कि बाल नाखून त्वचा में होता है, ये सब भी क्या है, हमारा सिंपल प्रोटीन है। यदि हम इसका जल अपघटन करेंगे तो इसकी बेसिक यूनिट हमें क्या मिलेगी, अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, एक होते हैं संयुग्मी प्रोटॉन, कंजुगेटेड प्रोटीन। ये जल अपघटन पर एमिनो अम्ल के अतिरिक्त क्या दे देते हैं, एमिनो अम्ल के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकती है या फॉस्फोरिक एसिड्स हो सकते हैं। यदि ये इनमें से कोई पदार्थ देते हैं तो ये ऐसे प्रोटीन क्या कहलाते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन। यहाँ पर हम बात करें कि प्रोटीन विहीन भाग को हम क्या बोल देते हैं, प्रोस्थेटिक समूह कह देते हैं। जैसे अगर हम न्यूक्लियो प्रोटीन में अगर बात करें तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, प्रोस्थेटिक समूह हो जाएगा जो निकलेगा। इसी तरीके से हम ग्लाइको प्रोटीन की अगर बात करें तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा है इसलिए ये प्रोस्थेटिक समूह क्या हो जाएगा, यहाँ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक प्रोटीन और होता है जिसे हम बोलते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन, ड्राइव्ड प्रोटीन। जब साधारण यानी सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन का एमिनो अम्ल में जल अपघटन किया जाए तो विभिन्न पदों में बनने वाले जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, ड्राइव्ड प्रोटीन। जैसे प्रोटियोज, पेप्टोन, पेप्टाइड्स जो होते हैं ये क्या है, ड्राइव्ड प्रोटीन है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करेंगे कि प्रोटीन की संरचना कैसी होती है। अमीनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड विभिन्न प्रकार से जुड़कर प्रोटीन की जटिल संरचना का निर्माण करते हैं और इस आधार पर हम प्रोटीन को क्या करते हैं, चार भागों में बांटते हैं, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीय संरचना, तृतीय संरचना और चतुर्थ संरचना। अब देखते हैं कि प्राथमिक संरचना कैसे होती है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में क्या होता है, प्रोटीन की जितनी भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उसके विभिन्न एमिनो अम्ल का जिस क्रम में जुड़ाव होता है वही उसकी प्राथमिक संरचना होती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक सिंपल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाई है जहाँ एक अमीनो एसिड है जो दूसरे अमीनो एसिड से क्या कर रहा है, सी डबल बॉन्ड रो एन एच बॉन्ड से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से क्या है, जुड़ा हुआ है और ये श्रृंखला चलती जाती है, इसलिए इसे हमने क्या कहा है, प्राथमिक संरचना।
कि प्रोटीन की क्या है, प्राथमिक संरचना है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में यदि जरा सा भी अंतर आ जाए तो उसके रासायनिक और जैविक गुणों में क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन जो है वो 574 अमीनो एसिड की इकाई से मिलकर बना होता है। कितनी इकाई से? 574 अमीनो एसिड की इकाई से मिलकर क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। अगर हम बात करें अमीनो अम्ल के क्रम में यदि एक भी अमीनो अम्ल का परिवर्तन हो जाए, यदि हीमोग्लोबिन की जो श्रृंखला है उसमें यदि एक भी अमीनो एसिड का परिवर्तन हो जाए तो एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्किल सेल एनीमिया। ये प्रोटीन की एक और बीमारी है, स्किल सेल एनीमिया। यानी इस रोग में लाल रक्त कणिकाओं का हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाता है, जिसमें कोशिकाएं क्या हो जाती है, फूट जाती है और मनुष्य की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। जैसे अगर हम सामान्य हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये इसकी जो श्रृंखला होती है उसमें क्या जुड़ा रहता है, एक प्रोटीन होता है वैलिन, उससे जुड़ा होता है हिस्टिडीन, उससे जुड़ी होती है ल्यूसीन, उससे जुड़ा होता है थ्रियोनिन, उससे जुड़ा होता है प्रोलीन, और फिर उससे जुड़ा होता है ग्लूटामीन, और फिर ग्लूटामीन के साथ क्या जुड़ी होती है, लाइसिन। लेकिन ग्लूटामीन की जगह यदि उस श्रृंखला में वैलिन जुड़ गया, और जैसे ही वैलिन जुड़ गया तो श्रृंखला क्या हो गई, बदल गई, और प्राथमिक संरचना में जैसे ही ये बदल गया तो इसके जैविक गुणों में क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है, और उससे जो डिजीज पैदा होती है उसको हमने नाम दिया है सिल्क सेल एनीमिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की। तो प्रोटीन की जो लंबी लचीली पेप्टाइड श्रृंखला है वो क्या करती है, परस्पर हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अब ये जो जुड़ती है ये दो तरह से जुड़ सकती है, और ये इसीलिए द्वितीयक संरचनाएं क्या हो जाती है, दो तरह की हो जाती है, एक हो जाती है अल्फा हेलिक्स संरचना और एक हो जाती है बीटा लहरियादार चद्दर संरचना, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की। प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो कुंडलित होकर एक सर्पिलाकार रचना अगर बना देती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, अल्फा हेलिक्स संरचना। ठीक है, ये जो अल्फा हेलिक्स संरचना है ये बेसिकली इसलिए बनती है कि इस कुंडली में आकृति का निर्माण एक ही पेप्टाइड श्रृंखला में सी डबल बॉन्डो और एनएच समूह के बीच क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, और यही हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये किस आकृति की हो जाती है, कुंडलित। यहाँ मैंने दिखाया है ये जो स्ट्रक्चर है सी में ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, और इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसकी संरचना कैसी हो जाती है, कुंडलित। ठीक है, एक दूसरा प्रकार है जिसे हमने कहा है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। जब कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं खुली हुई अवस्था में एक दूसरे के क्या होती है, निकट आ जाती है, जैसे मैंने यहाँ चित्र में दिखाया कि ये एक श्रृंखला है ये दूसरी श्रृंखला है, ये एक श्रृंखला दूसरी श्रृंखला की क्या आ जाएगी, पास आ जाएगी, और इनके बीच में क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये क्या बनाएंगे, चद्दर नुमा संरचना बनाएंगे, और ये एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में बढ़ेंगी और एक दूसरे पर आसानी से क्या हो जाएंगे, फिसल जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर की। जैसे आपने देखा कि द्वितीय संरचनाएं जो बन गई हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, सुपर इम्पोज हो जाए, और प्रोटीन की संरचना को जो अंतिम त्रिविम प्रदान करेगा वो क्या होगा, तृतीय संरचना। यानी एमिनो अम्ल के लिए ये क्या प्रदान कर देंगे, एक विशिष्ट आकृति देंगे जिससे उस प्रोटीन की मूल अवस्था कहा जाएगा। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, कई सारे आयनिक बंध बन जाते हैं, कई सारे सहसंयोजी बंध बन जाते हैं, हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं, जल रोधी आकर्षण आ जाता है, वंडरवॉल फोर्सेस हो जाते हैं। तो ये जो संरचना बनती है प्रोटीन की, ये प्रोटीन की कौन सी संरचना कहलाती है, तृतीय संरचना।
इसी तरीके से प्रोटीन की एक चतुस्संरचना होती है। प्रोटीन इस संरचना में दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के समूह, जिन्हें हमने यूनिट या प्रोटोनर कहा है, के साथ कोवलेंट बॉन्ड के अतिरिक्त अन्य आकर्षण बल से, जैसे आयनिक हो, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, वंडरवॉल फोर्स हो, इन सब से जुड़ जाते हैं। तो ये कैसी संरचना बना लेते हैं? चतुष्कीय संरचना। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसकी चार सब यूनिट में से दो तो होती है अल्फा श्रृंखला और दो होती है बीटा श्रृंखला, यानी ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? चतुष्फलकीय संरचना। यहाँ पर मैंने आपको देखा है कि प्राथमिक संरचना सिंपल होती है, द्वितीयक संरचना कुंडलित हो जाती है, ये दोनों मिलकर तृतीय संरचना बनाती है, और दो संरचनाएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडरवॉल फोर्स या आयनिक बॉन्ड से जुड़कर क्या बना लेते हैं? चतुष्कीय संरचना। ठीक है, चलिए अब एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है प्रोटीन का, प्रोटीन का विकृतीकरण। इस पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। जैसे जब हम प्रोटीन को गर्म करते हैं, या एसिड या बेस अम्ल हो या क्षार हो या अल्कोहल हो या KI हो या यूरिया हो या एसीटोन हो या कोई हैवी मेटल हो, भारी धातुएं हो, यदि हम इनसे अभिक्रिया कराएं या फिर हम एक्स किरणें लें या अल्ट्रावायलेट के संपर्क में आ जाए यदि प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या हो जाता है? स्कंदित हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है। अब जब ये कोगुलेट हो जाता है तो इसके भौतिक और जैविक गुणों में क्या होगा? परिवर्तन होगा, क्योंकि इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, और इसके जैविक गुणों में भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन होगा, और यही परिवर्तन को हम प्रोटीन का क्या कहते हैं? विकृतीकरण। यानी प्रोटीन को आपने गर्म कर दिया, या अम्ल क्षार अल्कोहल KI यूरिया एसीटोन या कोई भी हैवी मेटल या कुछ किरने जैसे एक्स किरने या अल्ट्रावायलेट किरने के संपर्क में आया, तो ये क्या हो जाता है? कोगुलेट हो जाता है, और कोगुलेट होने से इसको हम बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है, प्रोटीन के विकृतीकरण, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है कि ये एक फॉइल्ड स्ट्रक्चर है, वो क्या बन गई? सिंपल स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो गई, जिसको हमने कहा विकृतीकरण। प्रोटीन के विकृतीकरण के प्रमुख लक्षण क्या हो जाते हैं? रासायनिक रूप में विकृतीकरण पर प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है वो तो अपरिवर्तित रहती है, लेकिन अगर हम बात करें कि उनकी द्वितीय संरचना और तृतीय संरचना जो होती है वो क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो ये इसका पहला लक्षण हुआ कि द्वितीयक संरचना या तृतीयक संरचना जो है वो क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। दूसरा, प्रोटीन वितरीकरण करने पर कैसा हो जाता है? अभिलय हो जाता है, और विकृतीकरण पर प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को क्या करता है? खो देता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाते हैं? कई सारे क्रॉस बॉन्ड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, और इनकी आंतरिक संरचनाएं क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, और प्रोटीन कैसा हो जाता है? कोगुलेट हो जाता है। विकृतीकरण एक उत्क्रमणीय और अनुक्रमीय भी हो सकते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि जब अंडे को उबलते पानी में कुछ समय के लिए रखा जाता है तो अंडे का प्रोटीन कैसा हो जाता है? रबर के समान अभिलय ठोस में क्या होता है? जम जाता है। अगर हम चाहें कि ये ठोस वापस बदल जाए तो ये नहीं बदलेगा, यानी गर्म करने पर प्रोटीन क्या हो गया? बदल गया। तो ये कैसा परिवर्तन होगा? अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण। लेकिन कई सारे प्रोटीन जो है वो अपने मूल स्वभाव में आ जाते हैं, जैसे अगर हम अभिकर्मक को हटा दें तो वो परिवर्तन क्या कहलाएंगे? वो परिवर्तन क्या कहलाएंगे? उत्क्रमणीय कहलाएंगे, लेकिन ये वाला जो परिवर्तन है वो क्या है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। यानी एंजाइम जो प्रोटीन है उसे गर्म कर दें तो क्या हो जाएगा? उसकी सक्रियता क्या हो जाएगी? खो जाएगी। तो ये लक्षण है प्रोटीन के विकृतीकरण के। इस पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है बेटा, इसलिए आप लोग इसे थोड़ा अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, अगर हम प्रमुख प्रोटीन और उसके कार्य की बात करें, मैंने आपसे कहा इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, तो यहाँ से कुछ मिल सकता है, क्योंकि हमको यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ ना कुछ चीजें मिलती है। ठीक है, जैसे ट्रिप्सिन एक
और पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में कहाँ होता है, एंजाइम्स के रूप में होता है। आप सारे बच्चों को पता है कि ये पाचन के क्षेत्र में उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसका फंक्शन क्या हो गया, ये पाचन में उत्प्रेरक का काम करता है। एक ही प्रोटीन हमारे शरीर में है हीमोग्लोबिन, आप सभी को पता है ये संवहन और अधिगमन करता है, और फेफड़े फेफड़े से विभिन्न ऊतकों तक ये क्या करता है, ऑक्सीजन का संवहन करता है। एक प्रोटीन और है उसे हम बोलते हैं मायोग्लोबिन, इसका काम है संग्रहण का, यानी हमारी जो पेशियां होती हैं उसमें ऑक्सीजन के संग्रहण का काम कौन करता है, मायोग्लोबिन। एक प्रोटीन है मायसिन, एक्टिन, ये जितने भी प्रोटीन है ये हमें क्या देते हैं, गति देते हैं, यानी पेशियों की गति के लिए ये प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक प्रोटीन होता है क्लोजिन या किरेटिन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था बाल और नाखूनों में यूज होता है, ये संरचनात्मक और बचाव के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। एक होता है इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ये हार्मोन्स हैं और ये जानकारियों का क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ थे प्रमुख प्रोटीन और उनके कार्य। ठीक है, चलिए अब अपन बात करना चाह रहे हैं एंजाइम्स पर। एंजाइम्स जो होते हैं ये उच्च अणु भार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। एंजाइम्स की डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है, पुराने पेपर्स में आप देखिएगा, इसलिए इसको थोड़ा समझिए अच्छे से। एंजाइम क्या होते हैं, उच्च अणु भार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के अंदर होने वाले विभिन्न शारीरिक क्रियाओं जैसे श्वसन, पाचन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं और उन्हें उत्प्रेरित भी करते हैं। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं वो जीवित कोशिकाओं में ही उत्पन्न होते हैं और ये मुख्य रूप में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को ही उत्प्रेरित करते हैं, अतः हम इन्हें क्या कह सकते हैं, बायो कैटलिस्ट। ठीक है, इन्हें बायो कैटलिस्ट क्यों नाम दिया है, क्योंकि ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को ये क्या कर रहे हैं, उत्प्रेरित करते हैं, और साथ में यह एंजाइम गोलाकार प्रोटीन होते हैं। मैंने पहले आपको प्रोटीन के दो स्ट्रक्चर्स दिखाए थे, एक रेशेदार और एक गोलाकार। एंजाइम कैसा है, यहाँ पर गोलाकार प्रोटीन है। एंजाइम के गुणों की यदि हम बात करें तो एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं और रासायनिक रूप में ये क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ध्यान रखेंगे, जीवित कोशिकाओं में ही उत्पन्न होते हैं और रासायनिक रूप से ये क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम साधारणतः शरीर क्रियात्मक अभिक्रियाएं, जैसे अगर हम बात करें जल अपघटन की, ऑक्सीकरण की, अपचयन की, अपघटन की, उनको ये क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम की क्रिया बहुत विशिष्ट होती है, यानी हर एंजाइम के लिए, जैसे हम कहते हैं उत्प्रेरक के लिए कोई भी क्रिया हर उत्प्रेरक नहीं करता है, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर उत्प्रेरक यूज होता है, उसी तरीके से एंजाइम्स भी क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। एक एंजाइम किसी विशिष्ट पदार्थ के लिए ही उत्प्रेरक का क्या करता है, कार्य करता है और एक विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया को भी ये उत्प्रेरित करता है। जैसे हमने पढ़ा है सुक्रोज जो होता है इन्वर्टेज नामक एंजाइम से किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ये अल्कोहल के हमने प्रिपरेशन में पढ़ा है कि इन्वर्टेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या करता है, बदल देता है। एंजाइम जो होते हैं ये ताप परिवर्तन में अत्यधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि किसी भी एंजाइम की उत्प्रेरक सक्रियता एक पर्टिकुलर ताप पर, यानी जिस ताप पर सर्वाधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन ताप, या उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, यानी उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर अभिक्रिया की दर क्या होगी, सबसे उच्च होगी। और यदि आपने अधिक ताप पर, यानी अधिक ताप पर एंजाइम क्या हो जाते हैं, विवृत्ति हो जाती है, यानी एंजाइम की प्रोटीन संरचना और उसके उत्प्रेरक जो सक्रिय ता उसकी जो होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यानी टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देंगे तो उसकी प्रोटीन की संरचना में उसके उत्प्रेरक सक्रियता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। एंजाइमों के लिए जो अनुकूल टेम्परेचर होता है, हमने फर्मेंटेशन में भी पढ़ा है कि वहां हम जो एंजाइम का यूज करते हैं
तो हमने कहा है कि वो 25 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। अगर यदि इससे कम टेम्परेचर होगा तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, और यदि अधिक होगा तो वो काम नहीं करेंगे, उनके प्रोटीन के संरचना में क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। ठीक है, एंजाइमों की अनुकालता के लिए पीएच भी जो है वो निश्चित होता है, यानी 5 से 7 इसमें उत्प्रेरक जो होते हैं उसकी सक्रियता क्या होती है, अधिक होती है। एंजाइम का पीएच यदि आपने 5 से 7 रखा तो इनकी रिएक्शन जो उत्प्रेरक करने की क्षमता है वो क्या होती है, सही रहती है, यानी ये एंजाइम्स के क्या हो गए, गुण हो गए। एक टर्मिनोलॉजी हमने और पढ़ी है वो है कोएंजाइम। ठीक है, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो जैव अभिक्रियाओं को अकेले उत्प्रेरित नहीं कर पाते हैं, यानी किसी अन्य अप्रोटिक पदार्थ की उपस्थिति में उत्प्रेरक बन जाते हैं। अभिक्रिया के समय एंजाइम से जुड़े पदार्थ को हम क्या कह देते हैं, कोएंजाइम। फिर से समझिए, कुछ प्रोटीन कैसे हैं जो जैव अभिक्रियाओं को अकेले उत्प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोई अन्य अप्रोटिक पदार्थ की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ये अभिक्रिया के समय एंजाइम से जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, को एंजाइम। ये अप्रोटिक पदार्थ को हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक समूह। ये प्रोस्थेटिक समूह क्या हो सकते हैं, धातु आयन हो सकते हैं, जैसे जिंक का +2 हो सकता है, मैग्नीशियम +2 हो सकता है, कॉपर +2 हो सकता है, कोबाल्ट +2 हो सकता है, पोटेशियम +1 हो सकता है, सोडियम +1 हो सकता है, या इसके अलावा कुछ छोटे कार्बनिक अणु भी हो सकते हैं जो प्रोस्थेटिक समूह की तरह क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, सहसंयोजी पद द्वारा एंजाइम से जुड़े प्रोस्थेटिक समूह को हम क्या बोल देते हैं, कोफैक्टर्स। और इसी तरह जैविक प्रक्रमों के लिए अनेक को एंजाइम विटामिनों से भी उत्पन्न होते हैं जो विटामिन हमें देते हैं। ठीक है, यानी ऐसे एंजाइम में प्रोटीन पदार्थ को हम एपो एंजाइम बनते हैं कहते हैं, और अलग अलग एपो एंजाइम और को एंजाइम यानी इन दोनों को में कोई भी उत्प्रेरक नहीं होता, परंतु यदि हम इन दोनों युग्मों को जब एक साथ रखते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हेलो एंजाइम, तो ये होलो एंजाइम जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। एपो एंजाइम कैसे रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, और को एंजाइम जो होते हैं वो उनसे जुड़े रहते हैं प्रोटीन। ठीक है, चलिए एंजाइम किस तरह से काम करता है ये अब देखते हैं। प्रत्येक एंजाइम की सतह पर कोई ऐसा क्षेत्र होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सक्रिय क्षेत्र। कैटलिस्ट में हमने पढ़ा है कि वहां पे क्या होता है, एक्टिव साइट होती है। एंजाइम भी जो कार्य कर रहा है वो कैटलिस्ट की तरह कर रहा है, तो इसकी सतह पर भी कोई एक्टिव साइट होगी। तो प्रत्येक एंजाइम की सतह पर एक क्या होती है, सक्रिय क्षेत्र होता है, और इसकी ऐसी विशिष्ट आकृति और संरचना होती है कि इस पर जो भी सब्सट्रेट अणु आएगा वो फिट होकर क्या बनाएगा, संकुल बना लेगा। यानी एंजाइम सब्सट्रेट क्या करेगा, बना लेगा। एंजाइम सब्सट्रेट से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, एंजाइम सब्सट्रेट। जैसे यहाँ पर मैंने एक एंजाइम बनाया है जिसका ये सक्रिय क्षेत्र है और ये सब्सट्रेट है, ये सब्सट्रेट इसके साथ मिलकर क्या बना रहा है, एंजाइम सब्सट्रेट बना लेता है। ठीक है, और फिर इसके बाद इस प्रकार संकुल बनने से अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा का मान इतना कम हो जाता है कि तुरंत ही क्रिया कारक से क्या बन जाता है, उत्पाद बन जाता है, और उत्पाद बनते ही वह एंजाइम से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मैंने दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ जो ES बना है ये किसमें बदल गया, प्रोडक्ट में बदल गया, और ये प्रोडक्ट यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और एंजाइम क्या होता है, अलग हो जाता है। यानी एंजाइम अपनी पूर्ववत अवस्था में आकर किसी अन्य सब्सट्रेट को ग्रहण करने के लिए क्या होता है, तैयार हो जाता है, और ये अभिक्रियाएं जो होती है वो क्या होती है, बहुत तीव्रता से क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, एंजाइम इस तरीके से। चलिए अब बात करते हैं एंजाइम और रोग। एंजाइम जो होते हैं इनसे भी कुछ रोग पैदा होते हैं,
जैसे एंजाइम में एक एंजाइम है फेनिल एलिनिन हाइड्रोक्सीलेज, हाइड्रोक्सीलेस, इसकी कमी से जो है वो एक रोग होता है उसको बोलते हैं फेनिल कीटोन्यूरिया, फेनिल कीटोन्यूरिया, जिसमें क्या होता है शरीर में यौगिक एकत्रित होने लगते हैं जो मस्तिष्क को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और बच्चों में मानसिक क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। इसी तरीके का एक और एंजाइम है टायरोसिनेस, टायरोसिनेस की कमी से जो रोग पैदा होता है उसे बोलते हैं एल्बिनिज्म। और इसके अलावा हार्ट अटैक के समय जो हमारी वो होती है उसमें जहाँ वो बन जाता है, कोगुलेट हो जाता है ब्लड, उसको डिजोल्व करने के लिए हम एक एंजाइम का यूज करते हैं, उसे बोलते हैं एंजाइम स्ट्रेप्टोकोकेस, यानी इस एंजाइम को दिया जाता है जो थक्के को क्या कर देता है, घोल देता है। अगर हम ये तो हुए रोग, एंजाइम से जो रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए कौन कौन से कमी से जो रोग होते हैं और कहाँ हम एंजाइम का यूज थक्के को घोलने में करते हैं, ठीक है। एंजाइम और उद्योग की बात करें तो फर्मेंटेशन हमने पढ़ा है कि स्टार्च से हम बियर, शराब, मीठे पेय ये सभी बनाते हैं। रेनिन एंजाइम जो होता है वो पनीर उद्योगों में दूध से पनीर बनाने में यूज किया जाता है। तो ये हुआ एंजाइम्स, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे विटामिन्स की। विटामिन्स जो है उस सन 1907 में एक हॉपिंगसन एक वैज्ञानिक है, उन्होंने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता होती है जिनके अभाव में शरीर का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए इन यौगिकों को क्या कहा गया, विटामिन। यह अतिरिक्त आहार कारक है, इनकी कमी से विशेष प्रकार के रोग हो जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अभाव रोग, डेफिशिएंसी डिजीजेस। विटामिन की कमी से क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में एक ना एक विटामिन जरूर पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे। विटामिन की क्या विशेषताएं होती हैं? पहली बात तो ये कि मानव शरीर में इसका संश्लेषण नहीं होता। दूसरा, ये जटिल यौगिक होते हैं, ये भी क्या करते हैं, उत्प्रेरक के समान कार्य करते हैं। इनकी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा ही क्या होती है, आवश्यक होती है। इनके कार्य विशिष्ट होते हैं, यानी हर उत्प्रेरक का, हर विटामिन का काम क्या है, विशिष्ट है। और यह ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं, ठीक है। पहली चीज मैंने कहा, ये मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, ये जटिल होते हैं, उत्प्रेरक के समान काम करते हैं, इनकी सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, इनका कार्य विशिष्ट होता है, ये ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए विटामिन जो होते हैं उनको हम दो वर्गों में बांटते हैं, एक होते हैं वसा में घुलनशील और एक होते हैं जल में घुलनशील, ठीक है। एक होते हैं फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि ऐसे दो विटामिन के नाम लिखिए जो वसा घुलनशील है, तो ध्यान रखेंगे ए, डी, ई और के। वसा और तेल में ये क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, ये जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं, ठीक है। अब जल में घुलनशील है, आपको समझ में आ रहा है कि ये जल में घुलनशील है, ये कौन से होते हैं, ये होते हैं विटामिन बी और सी, ठीक है। विटामिन बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। चलिए अब हम विभिन्न विटामिन, उनके स्रोत और उसके महत्व और उसमें होने वाले रोगों पर बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा कि विटामिन ए जो होता है ये वसा में क्या होता है, विलय होता है। दूसरा, इसका अगर हम बात करें तो इसका नाम है रेटिनॉल, ठीक है। इसका केमिकल जो नाम है वो होता है रेटिनॉल। अगर हम स्रोत की बात करें तो ये मछली के यकृत, मांस, अंडे, दूध, गाजर, टमाटर, इन सब से क्या होता है, प्राप्त होता है। अगर हम महत्व की बात करें तो ये संक्रमक कारक है, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, आंखों और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, विटामिन ए आवश्यक होता है।
कमी की यदि हम बात करें तो ये होता है रतौंधी, इसे एक रोग होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। एक होता है जीरोथैल्मिया, ये भी आंखों का एक रोग होता है। संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। एक रोग होता है जीरोसिस, त्वचा का रोग होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करें तो कैसे याद रखेंगे कि नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, उसे दिखाई नहीं देता, रात के समय में उसे दिखाई नहीं देता, पिक्चर कहाँ नहीं बन रही है, रेटिना पर नहीं बन रही, क्योंकि आपके पीछे क्या है, रेटिना जहाँ तस्वीर बनती है, और उस रेटिना से अपन याद रख सकते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए से हमें याद रह जाएगा कि ये रतौंधी देता है, नाइट ब्लाइंडनेस देता है, और केमिकल नाम हमें याद रखना है तो इससे हम याद रख सकते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C20H30 और O, ठीक है। विटामिन ए से होने वाला रोग बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में विटामिन पर बहुत पूछा जाता है, यही नहीं आगे भी जो कॉम्पिटिशन होते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है, और इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसके अलावा यहाँ पर जीरोथर्मिया मैंने एक रोग बताया है जो आंखों का रोग होता है, इसी तरीके से एक जीरोसिस होता है जो त्वचा से संबंधित रोग होता है जो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करना चाह रहे हैं विटामिन बी की। अभी मैंने आपसे कहा था कि विटामिन बी जो होते हैं वो जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। विटामिन बी के कई सारी सीरीज होती है, विटामिन B1, B2, B12, B6 नाम सुने हैं आपने, उसी में से अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले विटामिन B1 की। विटामिन B1 जो होता है उसका नाम होता है थायमीन, याद रखना थायमीन, एन्यूरिन भी इसका नाम है लेकिन आप याद रखिए थायमीन। इसका फॉर्मूला होता है C12H13Cl2N4O5। ये कहाँ मिलता है, ये चावल की छिलन में मिलता है, ईस्ट में मिलता है, गेहूं के छिलके में मिलता है। इसका महत्व क्या है, ये तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन B1 की कमी से रोग होता है बेरी रोग होता है। इसमें कमजोरी होती है, पैरों में लकवा हो सकता है। दूसरा इसका मुख्य रोग होता है भूख न लगना, पाचन संबंधी जो कमी है वो किस कमी, किसकी वजह से हो रही है, विटामिन B1 थायमिन की कमी से। पेशियों में जो कमजोरी होती है वो भी इसकी कमी का एक लक्षण है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं विटामिन बी के ही, विटामिन B2 पर। इसका नाम होता है राइबोफ्लाविन। ये भी चावल की छिलन में, ईस्ट में, दूध में, पनीर में, अंडे में, मांस, हरी सब्जियों आदि में पाया जाता है। ये जो है वो शरीर की वृद्धि और मुख के स्वास्थ्य के लिए ये क्या होता है, आवश्यक होता है। इसकी कमी से जो होता है वो होता है कीलोसिस। कीलोसिस यानी होठों और मुंह के कोनों का फटना, ये किसकी कमी से होता है, B2 की कमी से होता है। जीभ पर दाने आ जाना, असमय बुढ़ापा आ जाना, ये सारे विटामिन B2 की कमी से होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर रहे हैं हम विटामिन 6 की, विटामिन B6 जिसको हम बोलते हैं पिरिडॉक्सिन, याद रखना विटामिन B6 पिरिडॉक्सिन। ये भी हमें ईस्ट, चावल की चोकर, मक्का, गेहूं, मांस, मछली का एक व्रत होता है जो लीवर होता है, इन सब में ये विटामिन B6 मिलता है, और इसका महत्व ये है कि ये रक्त बनाने में यूज होता है। अगर इसकी कमी होगी तो डेफिनेटली हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या क्या डिजीज पैदा करेंगे, एनीमिया, अरक्तता। और एक और डिजीज यहाँ पर होती है विटामिन B6 से, वो होती है पेलाग्रा। पेलाग्रा जो है वो त्वचा संबंधी रोग है जो विटामिन B6 की कमी से होता है। चलिए विटामिन B12 की बात करते हैं। विटामिन B12 को हम बोलते हैं साइनोकोबालमिन। याद रखना कोबाल्ट का एक ही विटामिन ये है, ठीक है। मछली, अंडे, मांस, दूध आदि में ये मिलता है।
रक्त बनाने के लिए विटामिन B12 जो होता है वो बहुत आवश्यक होता है। इससे जो बीमारियां होती है वो होती है प्रणाशी अरक्तता, यानी एनीमिया का ये विकृत रूप होता है, यानी इसमें एनीमिया हो रहा है लेकिन पता नहीं चलता, सिस्टम में सिम्टम नहीं आते इसमें। तो ये जो विटामिन की कमी है इससे ये रोग होता है उसको हम बोलते हैं प्रणाशी अरक्तता। इसके साथ ही जीभ और मुंह में क्या होती है, दाह पैदा हो जाते हैं, ये विटामिन B12 की वजह से होता है। ठीक है, ये तो हुए विटामिन के कंपाउंड बी के पार्ट। ठीक है, एक विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो जल में क्या होता है, विलय होता है। इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, C6H8O6 इसका फॉर्मूला होता है। स्रोत हम सबको पता है, संतरे हुए, नींबू हुए, जितने भी खट्टे फल होते हैं, मौसम्बी है, पत्ता गोभी, टमाटर, आंवला, ये सब विटामिन सी के क्या है, सोर्स है। और इसका महत्व क्या है, ये प्रतिस्कर्वी कारक है, स्कर्वी को ये क्या करता है, रोकता है। इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं स्कर्वी रोग। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, घावों को भरने में अधिक समय लगने में, इसकी कमी से जो रोग एक पैदा हो जाता है वो है घावों को भरने में अधिक समय लगना। इसके साथ साथ इसकी अगर कमी हो तो हड्डियों में क्या हो जाता है, भंगुर हो जाती है। ठीक है, मसूड़े का फूलना भी इसकी कमी का एक रोग है, जहाँ मसूड़े क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। विटामिन सी बहुत पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम याद रखेंगे एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। ठीक है, मसूड़े का फूलना, ये सब लोग इसकी कमी से होते हैं। एक विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है ये फैट सॉल्युबल होता है, इसको हम बोलते हैं कैल्सिफेरॉल या ऑर्गो कैल्सिफेरॉल होता है। इसका फॉर्मूला आता है C28H44O। ये इसकी जो सोर्स है वो है मछली का लीवर, तेल, मांस, अंडे, ये सभी सोर्स हैं इसके विटामिन डी के। और सबसे अच्छा है त्वचा कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण होता है ना। तो ये विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है, सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, महत्व क्यों है, क्योंकि ये सूखा रोधी विटामिन हड्डियों को बनने में यूज करता है, विटामिन हड्डियों में बनने में यूज होता है, और सूखा रोग को ये क्या करता है, रोकता है। विटामिन डी से जो कमी होती है वो होती है रिकेट या सूखा रोग, जैसे बच्चों में धनुषाकार पैर हो जाते हैं जो, वो क्या कहलाता है, रिकेट। और किसकी वजह से हो रहा है बेटा, हड्डियों की वजह से हो रहा है। हड्डियां किससे बनती है, कैल्शियम से बनती है। तो आप नाम याद रख सकते हैं कैल्सिफेरॉल, है ना। जैसे मैंने यहाँ कहा ना कि इस रोग में हड्डियां कैसी हो गई, नरम और कमजोर, लचीली और टेढ़ी हो जाती है, धनुषाकार हो जाती है। तो वो विटामिन किसकी कमी से होता है, डी की वजह से होता है। इसका नाम याद रखा जा सकता है कैल्सिफेरॉल। दांत के जो रोग होते हैं उनमें इनकी कमी से होता है, एक ऑस्ट्रोमलेशिया नाम का रोग होता है, ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई जो होता है ये वसा में विलय होता है, इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल C29H50O2 होता है, ये गेहूं की अंकुर का जो तेल होता है, बिनोले का जो तेल होता है, अंडे और मछली आदि में मिलता है। ये बंधता रोधी कारक होता है, इससे बंधता यानी स्टरिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, यानी प्रजनन क्षमता में क्या होती है, कमी होती है। पेशियों में अपहास होता है, पेशियां क्या हो जाती है, टूटने लगती है। इसी तरीके से एक विटामिन होता है विटामिन के, इसका नाम होता है फाइलोक्विनोन C31H44O2। ये मिलता है हमें पालक, पत्ता गोभी, गाजर से। ये रक्त के स्पंदन के लिए क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो रक्त के थक्के बनने में क्या होता है, अधिक समय लगता है। ठीक है, चलिए विटामिन और हार्मोन्स की अगर हम तुलना करें तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगर हम समानताओं की बात करें तो विटामिन और हार्मोन्स जो होते हैं वो सूक्ष्म मात्रा में क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं।
विभिन्न विटामिन अलग अलग रासायनिक यौगिक होते हैं, हार्मोन भी अलग अलग रासायनिक यौगिक होते हैं। विटामिन कमी की कमी से भी क्या होते हैं, रोग होते हैं। हार्मोन की कमी से भी क्या होते हैं, रोग होते हैं। ये तो इनकी समानता। अगर हम विषमता की बात करें तो विटामिन का निर्माण शरीर के अंदर नहीं होता, याद रखना विटामिन का निर्माण शरीर के अंदर नहीं होता है, जबकि हार्मोन का निर्माण जो है वो शरीर के अंदर होता है। ठीक है, विटामिन डी शरीर में संचित हो जाते हैं, यानी हम विटामिन जो लेते हैं वो शरीर के अंदर क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, लेकिन हार्मोन शरीर में संचित नहीं रहते, यानी ये आवश्यकता अनुसार निर्मित होते हैं। दो नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है बेटा विटामिन और हार्मोन्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि हार्मोन्स का निर्माण शरीर के अंदर होता है और ये संचित नहीं रहते, आवश्यकता अनुसार निर्मित होते हैं, जबकि विटामिन का निर्माण शरीर के अंदर नहीं होता, ये शरीर में संचित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आज हमने पढ़ा विटामिन क्या होते हैं, उसके अलावा हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की बात की है, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स किस मैकेनिज्म पर वर्क करते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से कैसे प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स बनती है, इस पर हमने आज चर्चा की है। ठीक है, चलिए अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, जो मैंने आज पढ़ाया है उसमें कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। जो मैंने आज डिस्कस किया है उसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, इसको शॉर्ट में बता सकते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन का विकृतीकरण कैसे होता है उस पर शॉर्ट में बोल सकते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी आपसे कहा ऑब्जेक्टिव में, जैसे मैंने आपसे कहा कि विटामिन का रासायनिक नाम पूछते हैं, पुराने पेपर्स आपने देखे होंगे क्या, ये पूछे जाते हैं कि इनसे होने वाले रोग क्या होते हैं, है ना, या उनके रासायनिक नाम क्या होते हैं, या डिटेल में तो क्या प्रोटीन वोटीन की संरचना नहीं पूछी है, लेकिन फिर भी रेशेदार प्रोटीन क्या होता है, गोलाकार प्रोटीन क्या होता है ना, रेशेदार प्रोटीन में क्या क्या यूजेस होते हैं, तो देखने है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट्स देखने हैं, जहाँ दो नंबर के प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन से घुलनशील होते हैं, कौन से फैट सॉल्युबल होते हैं, इस तरह के प्रश्न आप देखिए, तो प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।